अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको क्विक स्नैक्स बनाने का तरीका बताऊंगी। ये मैंने मिनी पिज़्ज़ास बनाए हैं, ये बहुत ही क्विक 5 से 10 मिनट में रेडी हो जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप डेली मेरी वीडियो जो है आने वाली आप उनको देख सकें। तो चलें अब ये देखते हैं कि मैंने ये जल्दी जल्दी जो है पिज़्ज़ास वो कैसे बनाए हैं। अच्छा जी, चलें बनाते हैं क्विक स्नैक, क्योंकि आजकल छुट्टियाँ, लॉकडाउन है तो बच्चों को 2 मिनट में भूख लग जाती है आफ्टर एवरी 2 आवर। तो ये है मेरे पास पिज़्ज़ा बेस स्मॉल साइज़ की, यूके में हर शॉप से अवेलेबल है, टेस्को से, एल्डी से, आइसलैंड वगैरह से, कहीं से भी आप पिज़्ज़ा बेस ले सकते हैं। ये पिज़्ज़ा बेस जो सी है अभी मैं इसको रख रही हूँ साइड पर। ये है कि मेरे पास हलाल सॉसेजेस, तो आप इसे बारीक बारीक जो है वो काट लें। मैं ये पिज़्ज़े की टॉपिंग तैयार कर रही हूँ जो बहुत ईजी है। आप घर में कोई भी टॉपिंग जो है वो अपनी चॉइस की यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को खाली ऑलिव्स पसंद है तो आप खाली ऑलिव्स डाल लें, अगर किसी को कहते हैं स्वीट कॉर्न पेपर इस तरह का चिकन पसंद है तो वो डाल लें। अब मैं काटूंगी थोड़े से ऑलिव्स, और ऑलिव्स भी जो है वो मैं इस तरह से बारीक बारीक राउंड राउंड काट लूँगी। आपको भी जो से पसंद हो ऑलिव वाले काट लें, ब्लैक या ग्रीन जैसे भी पसंद हो, उनको भी आप बारीक बारीक राउंड राउंड काट लें। अच्छा जी, ये हमने जो है ऑलिव और सॉसेजेस हमने काट ली हैं, ये चिकन की हलाल सॉसेजेस हैं। हमने ओवन जो है वो ऑलरेडी 15 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रखा है, ठीक है। इसमें हम ये 2 छोटे पिज़्ज़े हैं जो बच्चों के लिए, एक असल में पिज़्ज़ा परफेक्ट होता है फॉर 1 चाय। अब इन पर हम लगाएंगे टॉपिंग, इस तरह से आप स्प्रेड करें और साथ साथ आप थोड़े से ऑलिव भी लगा दें। अच्छा जी, ये हमने जो फुली लोडेड टॉपिंग जो है वो हमने लगा ली है ऑलिव्स एंड सॉसेजेस की। ये बहुत ही आसान तरीका है, यहाँ पे आपको अभी खाना ना पकाओ और घर में जो है भूख के मारे लोग आपकी जान खा रहे हों तो आप फौरन जो है इस तरह के पिज़्ज़े बना सकते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा चीज़ भी ऊपर से डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो भी ये बन जाएंगे, लेकिन मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे घर में एक्स्ट्रा चीज़ वाला पिज़्ज़ा सबको पसंद है, तो इसलिए खुद से मैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ जो है वो मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ। ऐसे ये अब हमने जो है टॉपिंग और चीज़ के साथ पिज़्ज़ा को तैयार कर लिया है। अब हम ओवन को में रखेंगे, इसको हम रखेंगे ओवन में, ये 5 से 10 मिनट में ये तैयार हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए अब ये 5 से 10 मिनट गुजर गए हैं और पिज़्ज़ा तकरीबन हो गए हैं तैयार। हम इन्हें थोड़ा बाहर निकाल के चेक करते हैं। जी नाज़रीन, ये हो गए हैं परफेक्ट तैयार, क्योंकि ये साइड साइड से थोड़े ब्राउन हो गए हैं, इसका मतलब है कि ये तैयार हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल दें। इधर आपको ये क्विक एंड ईजी रेसिपी पसंद आएगी, आप दिन के किसी भी टाइम पे इसको यूज़ कर सकते हैं, चाहे टी टाइम पे यूज़ करें, स्नैक टाइम में यूज़ करें, या ऑल ऑफ सडन भूख लग जाए बच्चों को तो आप उन्हें भी बना के दे सकते हैं।